सनातन संस्कृति जो है उसमें जब तक सत्य की विजय नहीं हो जाए तब तक संघर्ष चलता रहता है, और जब सत्य का की विजय हो जाती है तब एक नया युग का आरंभ होता है। जो चार कलयुग, चार युग जो बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये एक-एक उस महान असत्य पर विजय के बाद ही नए युग प्रारंभ हुए हैं या उस काल के दौरान प्रारंभ हुए हैं। सनातन धर्म जब तक असत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक सत्य की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक उसके अनुयायी शांत नहीं बैठते हैं। बौद्ध काल की गुफाओं को भी देखें तो उनमें 500 वर्ष से हजारों वर्ष तक उन पर काम चला। आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी जी अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर जब तक आज़ादी प्राप्त नहीं हो गई संघर्ष करते ही रहे हैं। तो हमारी संस्कृति जब तक असत्य पर पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं कर लेती तब तक संघर्ष करती रहती है। दूसरी संस्कृति यूनान इत्यादि में उनकी कहानियों में हम देखते हैं तो अधिकतर दुखांत अंत होते हैं। हमारे फिल्मों में भी जब तक सुखांत नहीं हो जाता कहानी चलती रहती है, इसलिए हमारी कहानियाँ 3 घंटे की हो जाती हैं क्योंकि उनको सुखांत पसंद है। और हमारी प्रवृत्ति है जब तक हम असत्य पर पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं कर लें संघर्ष करते ही रहते हैं। जबकि मिस्र की, यूनान की कहानियों में देखें तो हीरो भी मर जाते हैं और अधिकतर असत्य की विजय हो जाती है, खलनायक जीत जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, जब तक सत्य विजय नहीं हो जाता कई पीढ़ियों तक संघर्ष चलता ही रहता है, यही इसकी विशेषता है।